हेलो स्टूडेंट्स, एलीट स्टडीज इंदौर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। एग्ज़ाम्स की डेट बढ़वाने के लिए अभ्यर्थियों ने एमपीपीएससी को मेल में अपनी अपनी परेशानी मजबूरी लिखकर बताना शुरू कर दिया है। कुछ अभ्यर्थियों ने जो एमपीपीएससी को मेल किए हैं उसके स्क्रीनशॉट मुझे भेजे हैं, जिनको मैं आप सभी के समक्ष दिखाना चाहूँगा। दिखाने का मकसद यही है कि इन अभ्यर्थियों की कुछ अपनी परेशानियां हैं, मजबूरियां हैं, जिनको वो चाहते हैं कि एमपीपीएससी सुने और उस पर विचार करें और एग्ज़ाम की डेट बढ़ाई जाए। हालांकि आपको यहां ये स्पष्ट कर दूं कि एमपीपीएससी 2021 की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको लेकर एमपीपीएससी की तैयारी पूरी है। पेपर रेडी हो चुके हैं, सेंटर्स रेडी हैं और हर तरह से आप ये मानकर चलिए कि एमपीपीएससी की तरफ से एग्ज़ाम 19 जून को ही करवाने की पूरी तैयारी है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जैसे कि आदर्श आचार संहिता लागू है, उसमें बहुत सारे सरकारी कर्मचारी भी इस परीक्षा में शामिल होंगे, कुछ पुलिस का जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल है वो भी देने जाएंगे, कुछ बाहर के अभ्यर्थी हैं जो कि जिन्हें बहुत कम समय मिल रहा है तैयारी का, तो सबकी अपनी अपनी परेशानी है, मजबूरी है, एक एक करके हम देखेंगे। इससे पहले एक मिनट की आप बात सुन लीजिए। 5 जून से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए एलीट स्टडीज इंदौर प्रिंस सर की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट का जो टाइम टेबल है वो जानने के लिए 9685705702 पर व्हाट्सएप करना है। रात में 10 बजे ठीक आपको जो है टेस्ट भेज दिया जाएगा। जैसे ही टेस्ट का टाइम कंप्लीट होता है आपको अपनी जो एमआर शीट है वो आपकी सबमिट करनी है। उसके बाद टेस्ट का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको पीडीएफ में दिया जाएगा, साथ ही पॉडकास्ट के माध्यम से भी, वीडियो के माध्यम से भी एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई डाउट अगर आपको होता है तो आप पर्सनली प्रिंस सर को मैसेज कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप को कुछ पीडीएफ्स भी जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगी वो आपको फ्री प्रदान की जाएंगी। तो चलिए बताते हैं आपको कि बच्चे जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, एमपीपीएससी को किस तरह के मेल लिख रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक अभ्यर्थी हैं, वो लिख रहे हैं, श्रीमान जी आपको आगामी पंचायत चुनाव की जानकारी लग गई होगी। पंचायत चुनाव में वर्तमान पदस्थ कर्मचारी और अधिकारी भी 19 जून को होने वाली एमपीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे। सभी जगह भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि परीक्षा तय समय से होगी या नहीं होगी, इससे हम मानसिक स्तर पर दबाव महसूस कर रहे हैं। अगर आप मेरी निजी राय माने तो एग्ज़ाम की तिथि पिछले वर्ष की भांति जुलाई के अंतिम सप्ताह में कर दीजिए, जिससे किसी के समानता के अधिकारों का उल्लंघन या हनन ना हो। तो यहाँ पर 19 जून की जो परीक्षा है इसको समानता के अधिकारों का उल्लंघन भी बच्चे कह रहे हैं, क्योंकि किसी को कम समय देना तैयारी का, किसी को ज़्यादा समय देना, साथ ही साथ किसी की ड्यूटी लगी है चुनाव में फिर एग्ज़ाम लेना, ये सारी बातें और देखते हैं। यहाँ पर एक और अभ्यर्थी हैं, लिख रहे हैं, एज़ यू नो दैट द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ रिलीज्ड द नोटिफिकेशन ऑफ पंचायत इलेक्शंस। A large number of candidates who are working in various departments of the government may have to be deprived of the examination due to duty in panchayat elections, and other candidates who are currently appearing for their other examinations like state police constable physical test is scheduled to begin from 3rd June to 25th of June 2022. Instead of being able to focus on upcoming pre-exam, candidates are becoming victim of misery due to the clash of dates and state election duty. तो आप समझ गए होंगे, हिंदी में बता देता हूँ कि ये अभ्यर्थी कह रहे हैं कि आपको पता चल ही गया होगा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। और आगे इनका कहना है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी फ़िज़िकल की डेट है, उस वजह से वो प्री की तैयारी पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, 3 जून से 25 जून तक बता रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि बच्चों के जो
फिज़िकल की डेट है और प्री एग्ज़ाम की डेट है वो क्लैश हो रही है। तो इस तरह से बच्चों का कहना है। और देख लेते हैं, रिस्पेक्टेड सर, आई एम रियली थैंकफुल टू यू दैट यू हैव गिवन अस द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर फॉर द स्टेट सर्विस एग्ज़ाम विच इज़ शेड्यूल्ड ऑन 19th June, but sir, we have not got sufficient time to study. It is less than 1 month for the exam. We are not able to prepare the syllabus. Sir, I request you to please postpone the exam so that we will get some time to study. I will be thankful to you. तो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को तो खैर समझ में आ ही गया होगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। फिर भी मैं बता देता हूँ, ये कह रही हैं या कह रहे हैं कि जो है हमको कुछ समय दिया जाए। क्यों? क्योंकि हम बाहर के अभ्यर्थी हैं और अभी अभी हमने फॉर्म भरा है, इसलिए हम एक महीने से कम के समय में कैसे तैयारी करें और कैसे इस परीक्षा में जो है अच्छे अंक लाएं। तो ये भी सही है, किसी की अगर ड्यूटी लगी है चुनाव में तो ये भी सही है, किसी का अगर फिज़िकल है तो ये भी सही है। मैंने हमेशा ही कहा है कि एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंसिपल का ये यूट्यूब चैनल, अगर आपकी कोई भी जायज़ मांग है, डिमांड है, तो उसके लिए हमेशा आगे रहता है और निश्चित रूप से हमेशा ही अभ्यर्थियों के हित में आवाज़ उठाता है और कोशिश करता है कि ये आवाज़ उनकी सरकार तक, एमपीपीएससी के लोगों तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और पुनः आपको एक रिमाइंडर दे दूं कि 5 जून से एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंसिपल की टेस्ट सीरीज़ हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों माध्यमों में शुरू हो रही है। यकीन मानिए, एक एक प्रश्न आपके दिमाग की बत्ती जला देगा, आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। आपको इसे ज़रूर ज्वाइन करना है, बिकॉज बहुत ही कम समय आपके पास बचा है। इस कम समय में आपको ये देखना है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, कुछ कमियों को भी दूर करना है, उसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। 9685507712 ये हमारा नंबर है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप करिए, इंक्वायरी करिए, अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों को ज़रूर बताइए। टेस्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन पीडीएफ में, साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से भी सभी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, साथ ही एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंसिपल के नोट्स, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, इंक्वायरी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना, बाकी सारे चैनलों को भी सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो करना। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, जो भी होगा, जैसा भी होगा, आपको अपडेट देते रहेंगे। आपका अपना चैनल, ऐसे प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, धन्यवाद।